ओके गाइस, तो लास्ट वीडियोस में हमने अपने गेम में दो इशू छोड़े थे। पहला तो ये कि अगर कोई एक यूज़र जीत जाता है, ठीक है, जैसे कि माना अभी हमारा ये वाला यूज़र जीत रहा है, यूज़र वन, तो इसके बावजूद भी हमारा गेम चलता रहता है, ठीक है। यहाँ प्लेयर वन बॉन लिख के अगर तब भी हमारा गेम चल रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए था, राइट। हमें चाहिए था कि अगर हमारा कोई भी यूज़र एक बार जीत जाता है, ठीक है, तो हमारा गेम नहीं चलना चाहिए, राइट। तो मैं जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं, एक हम ऐड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा बुलियन वेरिएबल ऐड कर देंगे, लेट्स से एक्टिव। यहाँ मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा एक्टिव, लिख देते हैं कि क्या हमारा गेम एक्टिव है। ओके, तो मैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ ट्रू कि हाँ भाई गेम एक्टिव है, लेकिन ओके टी हमारा यहाँ पाइथन की तरह है, कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो जैसे कोई यूज़र गेम को जीत जाता है, ठीक है, तो हम अपने जो भी हमारा एक्टिव था उसको हम कर देंगे इनएक्टिव, ठीक है। कैसे करेंगे, एक्टिव इक्वल टू कर देंगे फॉल्स। अब हम ये कंडीशन पहले चेक करवा लेंगे, ये सब कुछ परफॉर्म करवाने से पहले यहीं पे चेक करवा लेते हैं कि भाई इफ़ एक्टिव, ठीक है, तब भी ये सब कुछ परफॉर्म हो, अदरवाइज इतना कुछ परफॉर्म करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं रन करके इस ऐप को फिर से। क्लिक किया, ज़ीरो आ गया, कट आ गया, ज़ीरो आ गया, क्रॉस आ गया, देन ज़ीरो आ गया, प्लेयर वन वॉन। अब मैं किसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखो कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एक कोई भी हमारा प्लेयर ने विन किया, तुरंत हमने एक्टिव में फॉल्स कर दिया। तो हमारी जो इफ़ कंडीशन ये हमारी हो गई फॉल्स, है ना। तो अब हमारे इफ़ वाला अंदर का पार्ट चलेगा ही नहीं। तो आई थिंक पहली बार प्रॉब्लम हमारी बड़ी ईजिली सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम इसको अपडेट कर पा रहे थे, ठीक है। अगर हमारा गेम यूज़र ने नहीं जीता है, मान लो उसको रीलोड करके देखते हैं गेम को, कि अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो प्रेस किया और मैं फिर से इसको प्रेस कर दूँ, तो ये कट होके हमारा क्रॉस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत थी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस में इनपुट लेंगे जिनकी गेम स्टेट ज़ीरो है, यानी अभी तक किसी ने उसको सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी करने के लिए सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक टैग वैल्यू आ रही है, राइट। तो मैं इस टैग वैल्यू को चेक करवा लूँगा पहले यहीं पे। जस्ट यहाँ पे लिखेंगे एंड हाँ, जो भी हमारी गेम स्टेट है, किसकी जो भी इस टैग वैल्यू पे गेम है, गेम स्टेट है, लाइक इंटीजर डॉट पार्स इंट। से पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में टैग वैल्यू को, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हमारी ये स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो, अगर दोनों कंडीशंस हमारी, अरे एक यार जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं, उसके बावजूद ही हमारे यहाँ पे आगे प्रोग्राम चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए। तो हमारा एक्टिविटी लॉन्च हो गई। मैं जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा गेम खेल लेता हूँ फटाफट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लेयर विन, उसके बाद में हम किसी में इनपुट नहीं कर पा रहे हैं और किसी को अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ ऑसम, राइट। तो ये हमारे दोनों इश्यूज सॉल्व हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाते हैं, कैसे, कि अगर हमारा गेम ओवर हो गया तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि भाई गेम ओवर हो गया, और नीचे एक बटन आ जाए प्ले अगेन, ठीक है। हालांकि नीचे बटन आने का प्लान नहीं था हमारा, हम ऊपर ही बटन देख रहे थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये ऊपर टेक्स्ट कौन सा प्लेयर जीता है और नीचे बटन। ओके, सिंपल सा फंडा है, स्टार्ट करते हैं फिर से अब। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।